करेंगे। देखिए मैंने प्रयास किया था बोलने का, मुझे चेयर ने परमिशन नहीं दी। मैं संसदीय मर्यादाओं का पालन करता हूं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की बारंबार कि दलितों पर बहुत बड़ा दमन हो रहा है, मैं उनकी आवाज उठाना चाहता हूं, सरकारों को जवाब मांगना चाहता हूं। उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं संसद के बाहर आकर अपनी बात रखता हूं। ये जुल्म हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जुल्म का अंत होना निश्चित है। अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो जनता जो है वोट की चोट से अंत निश्चित करेंगी। राजस्थान में जिस तरह शंकरलाल मेघवाल की हत्या हुई, उनके पिता जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं, जिस तरह से गाजियाबाद में राजकुमार जाटव की हत्या हुई और उनका बेटा जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है, और 2.5 साल की मेरठ की बच्ची का जिस तरह का जुल्म हुआ, अगर ऐसी घटनाओं पर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, एफआईआर दर्ज हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो इससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। एक सवाल जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर भी है। आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा के दौरान एक विवाद था कि नाम बदले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंटरिम ऑर्डर देकर स्टे लगाया। अल्पसंख्यकों की स्थिति पे आपका क्या कहना? जितना गरीबों पर जुल्म करोगे उतना ही जनता जवाब देगी। आप नाम क्या बदलते हो, जनता आपको ही आपकी सरकार को बदल देगी। आने वाले कल में देखो जनता वोट की चोट से सुरक्षित है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आवाज उठाने के लिए अभी आगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पार्लियामेंट में हम प्रयास करेंगे संसदीय मर्यादा के अनुकूल, अगर मौका मिला ठीक है, वरना सड़कों पर आवाज उठाएंगे, मीडिया के सामने आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जनता के हितों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।